प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने दोबारा से। यहाँ पर दशमलव में कुछ ऊपर संख्या दी है, कुछ नीचे संख्या दी गई है। हम हर बार क्या करते हैं सर, ऊपर वाले दशमलव को देखते हैं, नीचे वाले दशमलव को गिनते हैं। यदि उनकी संख्या बराबर होती है तो उनको खत्म कर देते हैं। देखिए सर, यहाँ पर गिनेंगे आप, यहाँ पर तीन और तीन छः दशमलव ऊपर है, नीचे चार और दो छः छः दशमलव नीचे है, कुछ प्रकार से तो आपस में गायब हो गए सर। तो यहाँ पर बचा क्या है उसको देखेंगे सर। इसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर अब 81 बचेगा, मल्टीप्लाई में 484 बचेगा, और अपॉन में के अंदर 64 बचेगा, और मल्टीप्लाई में 625 बचेगा। यहाँ पर आप देखिए सर, इसका मतलब 9 होता है, और इसका मतलब आपका सर 22 होता है, और इस 64 का मतलब 8 होता है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका मतलब 25 होता है। अब कुछ कटना है नहीं सर, कुछ कटना ऐसे कर सकता है। देखिए 11 बार ये कट जाएगा और 4 बार ये कट जाएगा, उसके बाद अब कुछ नहीं कटेगा सर। तो 1199 99 और अपॉन में कितना है 2500 525 4100। या तो यही आंसर दे रखा होगा या फिर 0.99 जो है हमारा सवाल का आंसर होगा सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आएगा। देखिए सर, दिखने में काफ़ी थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम में ले सकता है सवाल हमारा, लेकिन सर नहीं ले सकता है। यदि हमको कॉन्सेप्ट पता है कि किस तरीके से हम सवाल को एलिमिनेट करेंगे, उस प्रकार से फिर हमारी चीज़ें हैं सही आसान होती आसान हो जाएंगी, और फिर हम सवाल का आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।